आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बोड़ीगामा की नव निर्वाचित सरपंच श्रीमती आशा जी कटारा, क्योंकि अब की बार बोड़ीगामा के अंदर महिला को कमान मिली है। गांव के लोगों ने उन्हें मान सम्मान दिया है। आजकल ज़्यादातर जहां भी हम गए हैं तो देखने को मिला है कि महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और अब विशेष तौर से क्योंकि यहाँ जो अपने बोड़ीगामा की बात करते हैं तो यहाँ इनको दूसरी बार सरपंच जी इनके घर से मिली है। पिछली बार पूर्व में खुशपाल जी कटारा जो अपने साथ में है ये सरपंच थे, और पुनः इनको गांव के लोगों ने मौका दिया है। तो सबसे पहले सरपंच साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो सरपंच साहब कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो आप सरपंच बन गए हो? अच्छा फील कर रहे हैं। साथ ही खुशपाल जी कटारा है पूर्व सरपंच, क्योंकि गांव के लोगों ने इनको चाहा है, लोगों ने इनको मान सम्मान दिया है और वापस ये सरपंच बन गए हैं। इनकी धर्मपत्नी जो सरपंच बनी है उनसे बातचीत हुई, साथ ही इनसे बातचीत करते हैं कि अब उनके एजेंडे और मुद्दे क्या रहेंगे। सरपंच साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। तो सरपंच साहब अब की बार वापस एक बार पुनः गांव की जनता ने आपको मौका दिया है, तो आपके अब की बार एजेंडे क्या है, क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो मेरा पहला कार्य ये रहेगा कि जनता जो सरकारी जो योजना है, जो वंचित रह गए हैं उन लोगों को पहले उनको लाभ दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जो कि इसके बाद जो मोदी जी का जो अभी अभियान चल रहा है कि गांव स्वच्छ भारत, उसके पहले जो गांव के गांव में जहां पर गली मोहल्ला जहां नालियां नहीं है वहां नालियों की सफाई कराऊंगा, गांव में गंदगी फैली उसको सफाई कराऊंगा, और एक साफ सुथरा गाँव को और अग्रणी गाँव बनाने की मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बोड़ीगामा का नाम पहले आए। बहुत अच्छी बात कही कि जो मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत मिशन, प्रत्येक घर शौचालय, पंचायत को पंचायत के अंदर नालियां निर्माण करवाना, पंचायत के अंदर साफ सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रखवाना, ये इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। तो हम साहब अपन बात करते हैं शिक्षा की। सबसे शिक्षा की अहम अपने मुख्य कड़ी है, तो शिक्षा के लिए वर्तमान में क्या स्थिति है और पूर्व में आपके क्या प्रयास करवाए गए हैं? शिक्षा की मैं पहले मेरी प्रार्थना ये दूंगी कि जो बालक बालिका है जो यहाँ पर, क्योंकि शिक्षा पहले से ही या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ गांव है, इनके पहले जो स्कूल नहीं जाते हैं बालक बालिकाओं के लिए, मैं उनको प्रेरित, उनके माता पिता को प्रेरित करूँगा और स्कूल जाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने की और कोशिश, बच्चों को समझा, उनके माता पिता को और समझा के उनके बच्चों को स्कूल भेजो, जिससे अपने अपनी उन्नति होगी, गांव का विकास होगा, समाज का विकास होगा और अपना गांव इससे आगे बढ़ेगा और अपन इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा है, लोगों को शिक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जुड़वाना, ये मेरा पहला कार्य रहेगा। साथ ही सर अपने क्षेत्र की बात करें तो किसान, अपने किसान लोग भी ज़्यादा है, किसान वर्ग ज़्यादा है, तो किसानों के लिए पंचायत के माध्यम से क्या प्रयास किए जाएंगे? किसान के लिए सबसे पहले तो मेरा कार्य ये रहेगा कि यहाँ पर अशिक्षित एरिया है, जिसके पहले मैं उनको शिक्षा के लिए प्रथम उपाय उनको यही कदम प्रसारण करूँगा कि शिक्षा से बात जो उनको जोड़ो। इनके बाद उनके जहाँ पर किसान के लिए कि यहाँ पर हमारी माही कैनाल तो जा रही है लेकिन माही का पानी हमको इन किसानों को खेतों तक नहीं पहुँचता है, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि किसानों को खेतों तक पानी पहुँचाऊँ, ठीक है, अंतिम छोर तक पानी पहुंचाऊं, जिससे किसान मजबूत होंगे। अगर किसान मजबूत होंगे हमारा गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो पहले किसान के लिए मैं जो बेरोजगार हैं, जो उनके लिए मैं बेरोजगार के लिए सरकार को ये प्राथमिकता सरकार से ये है मांग करूंगा कि कोई उद्योग लगाएं और कार्य उनको बढ़ावा मिले जिसके बेरोजगार नहीं रहे। बिल्कुल, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी बात की कि यहाँ कुछ उद्योग हो ताकि क्या कि इससे बेरोजगारी से निजात मिले। तो समझा यहाँ चिकित्सा सुविधाओं वर्तमान में क्या है और आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे चिकित्सा के लिए? चिकित्सा की सुविधा पहले तो हमारी चिकित्सा सुविधा थी लेकिन इतनी नहीं थी, हमको कहीं इलाज के लिए हमको या तो बागीदुरा जाना पड़ता या नगोमा जाना पड़ता या बांसवाड़ा जाना पड़ता, लेकिन अभी इसके बाद मैं सरपंच बा जमीन हमारे जमीन नहीं थी उसके लिए मैंने जमीन का आवंटन करवाया, करीब 6.5 बीघों की जमीन का आवंटन करवा कर यहां पर अभी CSC बनवाया, करीब 5 करोड़ के करीब आसपास में सरकार से प्रयास किया और साफ से प्रयास करके यहां पर CSC बनवाई है। अभी तो चिकित्सा संबंधित यहां पर सुविधा अच्छी है हमारे गांव में और इनकी सुविधा उपलब्ध है अभी। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपने इस क्षेत्र में, वैसे तो नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र की बात की, विकृति एक तरह से बहुत बड़ी,
तो नशे को रोकने के लिए आपके क्या प्रभावी कदम रहेंगे? सबसे पहले सर मैं इनके लिए यही कहना चाहूँगा कि पहले लोगों को जागरूक करूँगा शिक्षा के संबंधी। अगर शिक्षा से संबंधी अगर जागरूक होंगे तो धीरे धीरे लोगों से शिक्षा प्राप्त करके उन्हें नशों के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे कि पंचायत स्तर पर चलाएंगे, एक वार्ड की मीटिंग बुलाएंगे, हम वार्डों की मीटिंग बिठाकर अलग अलग बिठा के उनको समझाएंगे इसके नशा करने से इस प्रकार के अपना नुकसान है, इस प्रकार का समझाएंगे लोगों को। शिक्षा से द्वारा हम ये नशे को छुड़ाने का प्रयास करेंगे शिक्षा के माध्यम से। बात शिक्षा है, शिक्षा एम ग्रेड सर, मतलब इस क्षेत्र के अंदर बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, ऐसी प्रथाएं, कुप्रथाएं चल रही है, तो उनको रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम रखेंगे आपके? पंचायत के थ्रू हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और भी शिक्षा विभाग से जुड़े सभी विभाग हम बैठक बुला के उसको प्रतिबंध करके कि जो भी 18 साल से कम है उनको हम प्रेरित करेंगे कि 18 साल की उनको अगर उनको शादी करवाए तो कानून के द्वारा उनको कानून या पाया पुलिस प्रशासन उनका हम उनका साथ लेंगे और उनको रुकाने का हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम छोटे बालकों या बालिकाओं को शिक्षा उनको बाल विवाह से हम रोकेंगे। बहुत अच्छी बात है, बाल विवाह रोकेंगे। साथ ही मतलब अपने इस क्षेत्र की बात करें तो विशेष तौर से क्या है कि मजदूर वर्ग है, मजदूर भी है, तो उनके लिए क्या करवाएंगे और आपने पहले भी क्या करवाया? सर मजदूरों के लिए तो हमने अभी नरेगा योजना सरकार मार्ग केंद्र सरकार के माध्यम से नरेगा योजना चल रही है, उनको सबसे पहले तो हम पंचायत स्तर पर उनका पंजीयन करवाएंगे। पंजीयन करके उनको जो वंचित हैं उनको रोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे और 100 दिन का रोजगार देने का पूर्ण प्रयास करेंगे हम। सरपंच आप तो सरपंच रहे हैं, पर्यावरण के प्रति आपके क्या विचार है, क्योंकि प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है? सर प्रकृति जो आप कह रहे हो सही है, यहाँ पर हम वृक्षारोपण करेंगे और वृक्षारोपण के द्वारा आके प्रेरित करेंगे अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और अपना पर्यावरण को सुरक्षित रखें और मानवता को। तो सरपंच साहब गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर गांव की जनता को यह संदेश देना चाहूँगा कि गांव को साफ सुथरा रखें और शिक्षा को बढ़ावा दे, शिक्षा के द्वारा ही हम सब ये संभव है। धन्यवाद सरपंच साहब, आरपी न्यूज में हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।